गुड मॉर्निंग साक्षी. गुड मॉर्निंग भरत. गुड मॉर्निंग. बिलेटेड हैप्पी होली एवरीबॉडी. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग आदित्य. हाउ आर यू? ओके मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने पूछा ना आपको. हाय आदित्य, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो मैम. यस आदित्य, आप ही बात कर रहे हो ना? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? यू कैन नॉट हियर मी? आ रही है मैम, अभी आ रही है आपकी आवाज. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग आदित्य. मैम आपको ध्रुव गुड मॉर्निंग बोल रहा है. ओके, गुड मॉर्निंग मैम ध्रुव, हाउ बाकी आर सब यू? क्लास के मेंबर्स भी आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल एंड हैप्पी होली. बिलेटेड हैप्पी होली टू एवरीबॉडी. मैम हैप्पी होली. यस. ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, we will today I think we will finish our painting portion. Okay, the syllabus will be completed today and then you have to solve the painting question paper as well after this. So I'm muting everybody for now. So if you want to say anything, you can write it in your chat box, like in the chat. Okay, so today's topic is contemporary Indian art. Okay, so now let's see how was India's contemporary Indian art. So here they are saying, after the decline of Mughal Empire and at the end of classical and medieval art of India, contemporary art began with British rule in India. तो अभी ये यहाँ पे कह रहे हैं, देखो कोई भी आर्ट है, अभी पेंटिंग में आपको याद रखना है कि जब भी वो कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्यूबिज्म, ये तो उसमें ना वो एक वो पीरियड बताते हैं कि कब वो शुरू हुआ था, कब उन्होंने वो लाया था. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मुगल का जब रूल है, मुगल का रूल जब डिक्लाइन हो गया था, तब उसके बाद क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, द एंड ऑफ क्लासिकल एंड मिडिवल आर्ट. क्लासिकल आर्ट था और मिडिवल आर्ट था, वो एंड हो गया इंडिया में. और फिर कौन सा आर्ट आया? कंटेम्प्रेरी आर्ट आया विथ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जब वो हम कंटेम्प्रेरी आर्ट थोड़ा सा ब्रिटिश का जो भी आर्ट आया था, उसमें पहले क्या कर रहे थे लोग, मिक्स एंड मैच कर रहे थे और इंडियन आर्ट बना रहे थे. तो अभी बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है वो फॉर्म में आ रहा था. हैप्पी होली. ओके, सो राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, तो ये देखो पहले के चैप्टर में भी हमने देखे हैं ये नाम, राजा रवि वर्मा. ओके, उनकी वो ब्यूटीफुल पेंटिंग थी, अबिंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल. ओके, जो बहुत लाइक यंग एज में शी पास्ड अवे. देन रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय वेर द पाइनियर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट. तो कौन पाइनियर्स थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया? पाइनियर का मतलब क्या होता है, जिन्होंने ये आर्ट स्टार्ट किया. तो वो थे ये सब लोग, रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर एंड, देखो ये दोनों अबिंद्रनाथ और रविंद्रनाथ टैगोर एंड जेमिनी रॉय. दिस यंग आर्टिस्ट वर मोर एक्सपोज टू वेस्टर्न आर्ट मूवमेंट्स. तो ये किसके लिए? ऑब्वियसली अभी देखो हमारे लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपका सेशन ले रही हूँ तो मेरा इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा पड़ेगा, राइट? तो वैसे ही जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तो ब्रिटिश रूल जब इंडिया में बिगिन हुआ, तभी क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी आर्ट भी जो है वो बिगिन हुआ. तो ये ज्यादा जो इनका जो आर्ट फॉर्म था वो एक्सपोज था वेस्टर्न आर्ट मूवमेंट्स के साथ. तो एक मिनट, यहां से मुझे बस थोड़ा सा ग्लॉसरी वर्ड्स हम देख लेंगे. ओके, सो हमें पढ़ने में आसानी जाएंगे चैप्टर.
तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म इसका मीनिंग क्या है, एन आर्ट मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी बाय पेंटर्स लाइक कैंडिंस्की, कैर्चनर एंड नॉल्डे. ओके, तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म ये आर्ट मूवमेंट है 20th सेंचुरी का. फिर क्यूबिज्म क्या है, हमने पहले भी देखा, क्यूबिज्म है एक आर्ट फॉर्म है जिसमें ऑब्जेक्ट्स सिंप्लीफाइड वर्जन में बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ ओवरलैप होते हैं, लाइट और शेड्स के साथ, टिंट्स और डार्क के साथ वो खेलते हैं, वो क्यूबिज्म है. फिर उसके बाद और एक नया टर्म हम सीखेंगे, फॉयिज्म. तो ये है अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन विच वेरी वार्म एंड लाउड कलर्स आर यूज्ड, मेन आर्टिस्ट इज मैटिसे. तो कैसे इसमें वार्म कलर्स यूज किए गए हैं ये टाइप में, और लाउड कलर्स लाइक एकदम से नहीं, भड़क कलर्स, जैसे मे बी नियॉन कलर्स नहीं होंगे तब, बट लाइक वी विल सी द आर्ट नाउ. फिर बाद में वो बता रहे हैं सरियलिज्म. सरियलिज्म क्या है, इन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेरी रियलिस्टिक फॉर्म्स आर कंबाइंड इन एन अनरियलिस्टिक मैनर. तो क्या होता है इसमें, जो भी रियलिस्टिक फॉर्म्स है, जैसे हमने देखा था वो एक वेल का हमने एक पेंटिंग देखी थी, वेल थी, वेल के ऊपर एक पूरा मतलब उन्होंने देश बनाया हुआ था, मतलब लाइक लैंड, अ सिटी काइंड ऑफ अ विलेज, और नीचे से फिर वो क्या कर रहे थे, एक सी जा रही थी. सो सरियलिज्म वो फॉर्म है कि रियलिस्टिक फॉर्म को किसके साथ कंबाइन करते हैं, अनरियलिस्टिक मैनर में कंबाइन करते हैं, एज इट हैपेंस इन द ड्रीम. जैसे ड्रीम में कैसे कुछ चीजें रियलिस्टिक नहीं होती, वैसे मेन आर्टिस्ट आर डैली, शिरिको एंड अदर्स. फिर कैलीग्राफी क्या है, आर्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग. जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग हम करते हैं उसे हम किसमें मेंशन करेंगे, कैलीग्राफी में हम उसे मेंशन करेंगे. फिर गॉथिक पीरियड, अ क्रिश्चियन आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ 13th सेंचुरी. तो क्रिश्चियन आर्ट है, देखो हमने देखा था वहां पे भी एक ले मतलब गॉडेस थी, वीनस, वो उनका आर्ट फॉर्म देखा था हमने. तो वो कहाँ पे आ गया, गॉथिक पीरियड में आ गया. फिर देन लाइक इट इज हॉरोस्कोप. हॉरोस्कोप क्या है, डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, जोडियक साइंस फॉर यूज इन कैलकुलेटिंग बर्थ, फोरटेलिंग इवेंट्स ऑफ पर्सन्स लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तो हॉरोस्कोप मोस्टली सबको पता होगा कि हॉरोस्कोप क्या है, सो मैं इससे ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगी. इसमें बस प्लैनेट की पोजिशन क्या होती है, मतलब कैसे प्लैनेट्स होते हैं या फिर साइंस का क्या होता है, उसमें ये हॉरोस्कोप आ गया. ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स गो फर्दर. तो यहाँ पे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फॉयिज्म, डैडिज्म एंड सरियलिज्म लेफ्ट ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन दिस पेंटर्स, बट एट द सेम टाइम देयर स्ट्रगल टू रिटेन इंडियन आइडेंटिटी कंटिन्यूड. तो मतलब उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक कल्चर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और उसमें वेस्टर्नर्स आ रहे हैं और वेस्टर्नर्स का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो फॉर नाउ आज भी क्या स्ट्रगल चालू है हमारा इंडिया में, कि लाइक वी आर इंडियंस, हमारा कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, बट मोर ओवर हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रिटिश मतलब वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं. जैसे हमारे कभी कभी घर वाले हमें बोलते हैं कि लाइक व्हेन वी वेर यंग हम ऐसे करते थे, हम ये फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे, बट नाउ इट इज ऑल इरेज्ड. ओके, वी आर मोर इन्फ्लुएंस्ड इनटू वेस्टर्न कल्चर. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में डिजाइन किया था, तो हम आजकल ज्यादा इंग्लिश बात करते हैं, वी आर नॉट वेरी मच लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स संस्कृत. हिंदी में भी थोड़ा बहुत है, बट लाइक मोर एवर लाइक जैसे नहीं, लाइक इफ यू नो इंग्लिश यू आर कॉल्ड एज लाइक समबडी लाइक हु नोज एवरीथिंग, बट इंग्लिश कुछ नहीं, इंग्लिश जस्ट एक कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, कि जिससे तुम बस एक लैंग्वेज है तुम्हारे पास, जिससे तुम तुम्हारी जो भावना है या फिर तुम्हारी जो नॉलेज है वो व्यक्त कर रहे हो. तो इसमें ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत ज्यादा होशियार हो. थोड़ा सा टॉपिक हमारा साइड हो रहा है, बट मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि जैसे अभी ये जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फॉयिज्म, डैडिज्म, सरियलिज्म क्या हो गया, ये हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट है, इंडियन पेंटर्स है, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस हो गया. तो इसके लिए क्या हो गया, उनका जो स्ट्रगल लाइक एक हो जाता है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लाइक अभी हमारी भी ऐसे मतलब ना एक मैचेस हमारी भी ऐसे आइडेंटिटी हो कि वी आर इंडियंस. लाइक समटाइम्स लाइक आई हैड वन लाइक यूएस फ्रेंड,
So like in the morning I used to have matlab she came matlab just wo US aayi thi Pune aur like hum communicate karte the to uski jo dadi thi wo upid banati thi poha banati thi then like she came to my house and then hum baithe the and like she I said like have some breakfast to main kya karti thi greek yogurt rehta tha greek yogurt aur mere paas kuch cornflakes rehte the ओके तो फिर मैं उसके साथ खाती थी ओके मुसली फ्लेक्स रहते थे मेरे एंड लाइक आई यूज्ड टू पुट सम रेजन्स ऑन इट एंड लाइक वेरी अमेरिकन काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर हर इट वाज एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड यू आर सो अमेरिकन लाइक यू डोंट ईट उपिट एंड यू आर जस्ट लाइक हैविंग दिस विद ब्लैक कॉफी सो आई सेड यस आई हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट लाइक डेली लाइक बिफोर लीविंग फॉर स्कूल सो शी सेड ओ माई गॉड लाइक आई थॉट मतलब मुझे बोल रही थी मुझे लगा कि यहाँ पे सब लोग ना ऐसे ही घर पे उपेट पोहा ही खाते होंगे बट लाइक मुझे नहीं पता था कि लाइक यू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट सो आई सेड नो लाइक इंडियन पीपल डू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट ऑन डेली बेसिस तो यहाँ पे कैसे हो गया था अभी इनके साथ भी क्या हो गया यहाँ पे उनकी जो इंडियन आइडेंटिटी है वो कंटिन्यू टू स्ट्रगल हो गई क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम एन इंडियन लाइक एट दैट टाइम एंड स्टिल आई एम राइट नाउ बट नाउ आई हैव चपाती एंड ऑल बट दैट वॉज अ टाइम वेर मैं क्विक ब्रेकफास्ट करके जाती थी नाउ ओनली हैव टू लंचेस सो यहाँ पे ये जो है इनका कैसे हो गया कि इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर इंडियन बट हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है सब ये कर रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी स्ट्रगल हो जाती है उसमें ठीक है तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न टेक्निक एंड इंडियन स्पिरिचुअलिज्म बिगेन द एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट एट द स्टेज तो अभी भी हमारा इंडिया में वही चल रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या है वेस्टर्न टेक्निक का और इंडियन स्पिरिचुअलिज्म इंडिया का जो स्पिरिचुअल फैक्टर्स है उसको बिकेम द एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट एट दिस स्टेज अलॉन्ग विथ वेस्टर्न मेथड्स एंड मटेरियल्स दे ऑल्सो ट्राइड टू यूज द फार ईस्टर्न मेथड्स ऑफ पेंटिंग तो उसके साथ उन्होंने क्या किया बहुत सारे ईस्टर्न मेथड्स ऑफ पेंटिंग भी इस्तेमाल किया मतलब हम ईस्ट है लाइक इंडिया कम्स इन ईस्ट तो हम बोलते हैं हमारा ईस्टर्न कल्चर और वेस्ट का कल्चर से जो फॉरेनर्स का है अमेरिकन का है वो वेस्ट का आता है तो उन दोनों का क्या हो गया एमलगेशन हो गया और फिर हमारी जो यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट है वो पेंटिंग्स फॉर्म कर रहे थे राइट नाउ इन द मोमेंट हम कैसे हम इंडियन कल्चर के भी है और वेस्टर्न कल्चर के भी है लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर डन विद प्रिंट मेकिंग वुड कट लिथोग्राफ एंड ईचिंग तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो वुड कट के साथ लिथोग्राफ के साथ ईचिंग के साथ फिर प्रदोष दास गुप्ता एंड प्राण कृष्णा पाल निरोदो मुजुमदेर पारितोष सेन एंड अदर ऑफ कैलकटा ग्रुप हेल्ड द फर्स्ट शो इन 1943 द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे एग्जिबिटेड द पेंटिंग्स ऑफ एफ एन साउजा राजा एम एफ हुसैन के एच आरा एंड अदर्स इन 1947 तो वो बता रहे हैं इनका जो आर्ट है 1947 में उन्होंने क्या किया था उसका एग्जीबिशन लगाया था और 1947 में उसे डिस्प्ले किया था इट इज द सेम ईयर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस व्हाइल सम आर्टिस्ट वेर एक्सपेरिमेंटिंग विथ वेस्टर्न स्टाइल कुछ आर्टिस्ट जो थे वेस्टर्न स्टाइल के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अदर्स लाइक बेनोडो बिहारी मुखर्जी राम किनकर वेज सैलोज मुखर्जी शोड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जापानीज आर्ट एंड फोक आर्ट तो किनका जो इंक्लिनेशन है इंक्लिनेशन मतलब जिनका जो झुकाव होता है किसी चीज के ओर ज्यादा बढ़ता है उसे हम इंक्लिनेशन बोलते हैं वो कहा था जापानीज आर्ट के ऊपर और फोक आर्ट के ऊपर था टू ऑफ द बंगाल स्कूल आर्टिस्ट देवी प्रसोद रॉय चौधरी एंड सरोदा उकील played fundamental roles in introducing modern art in northern and southern parts of India. K.C.S. Panikkar and Shri Vasulu, students of D.P. Roy Chaudhary, made their mark in contemporary art while Saroda Ukil established the art school in India. तो अभी वो बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया ये सब लोग हैं उन्होंने फंडामेंटल रोल प्ले किए मॉडर्न आर्ट का मूवमेंट जो है वो इंडिया में लाने के लिए तो नॉर्थ में साउथ में उन्होंने उनका इन्फ्लुएंस है ये मॉडर्न आर्ट के साथ लाया और कंटेम्प्रेरी आर्ट की एक जो स्कूल है वो भी इस्टैब्लिश हुई कहाँ पे हुई वो स्कूल इस्टैब्लिश दिल्ली में आर्ट स्कूल इन दिल्ली लेट मी चेक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर आदित्य अक्सा ओके सलमान विवाद सुनैना ओके सो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है सुनैना
ट्वाइस यू आस्क्ड मी द सेशन फॉर आई थिंक वन टाइम, एक बार आपने बिजनेस स्टडीज का बोला था और एक बार किसी चीज का बोला था, बट नेक्स्ट डे मैं जब भी पूछती थी आपके बारे में कि आपको वो सेशन चाहिए तो उस दिन आप एब्सेंट रहती थी. तो ऐसा कुछ डिसाइड करो कि कल मैं 12 o'clock या फिर जब भी आप फ्री रहो तो मुझे बोल दो, कल मैं फ्री हूँ तो उस हिसाब से मैं एक लेक्चर जूम पे ऑर्गेनाइज करूंगी, सो यू कैन ज्वाइन फॉर दैट लेसन. ओके, सो आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुए मेजर मूवमेंट्स इंडिया में, एंड फिर स्टेट द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट हु प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट. तो क्या क्या रोल थे आर्टिस्ट के वो हम बता पाएंगे. फिर हम बता पाएंगे मेथड्स और मटेरियल क्या यूज हुए कंटेम्प्रेरी आर्ट में, और फिर हम ये भी बता पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे पेंटर्स कौन से थे कंटेम्प्रेरी आर्ट में, डिस्क्राइब कर पाएंगे एनलिस्टेड कंटेम्प्रेरी आर्ट, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनलिस्टेड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, और क्या मतलब कैसे एनलिस्टेड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे उनके बारे में हम ब्रीफ में लिख पाएंगे. सो जस्ट लुक एट दिस. तो मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी, लाइक व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस पेंटिंग, तो आपको ये कंटेम्प्रेरी क्यों लग रही है, आपको थोड़ा सा वो क्या करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि देखो इसमें वर्लपूल नाम है ये पेंटिंग का. जस्ट ऑब्जर्व दिस पेंटिंग फॉर 10 seconds. आपके बुक में 10 seconds के लिए ऑब्जर्व कीजिए प्लीज. ओके, सो ये पेंटिंग का नाम है वर्लपूल. सो लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ दिस पेंटिंग. सो आर्टिस्ट कौन है ये पेंटिंग का, ये पेंटिंग का आर्टिस्ट है कृष्णा रेड्डी. पीरियड इस पेंटिंग का है 1962. साइज है 37.5 सेंटीमीटर्स टू 47.5 सेंटीमीटर्स. मीडियम है इंटैग्लियो ऑन पेपर. ओके, सो लाइक दैट्स अ न्यू मीडियम. आई विल ऑल्सो लाइक फाइंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम विच मीडियम इज दिस. ओके, सो यहाँ पे ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग इज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट which is being used by Western artists for many centuries. तो हमें सबको पता है what are graphics और print making क्या है, हमें ये popular terms बहुत अच्छे से पता है. तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा popular terms use किए थे Western artists ने भी बहुत centuries ago. Indian painters took interest in graphics from 19th century AD. Etching dry point aquitaine intaglio, lithography, oilography, etc. used by many Indian artists. तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के जो आर्टिस्ट है वो उनके द्वारा इन्फ्लुएंस हुए थे 19th सेंचुरी में, और उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट लिया ये ग्राफिक्स में. उसमें अलग अलग फॉर्म्स थे, कौन से फॉर्म्स थे, इचिंग का एक फॉर्म था, ड्राई पॉइंट का एक फॉर्म था, एक्विटेंट का एक फॉर्म था. यू हैव टू गूगल इट एंड यू हैव टू सी ये फॉर्म्स कैसे करते हैं. इंटेलियो का एक फॉर्म था, लिथोग्राफी का एक फॉर्म था, आइलियोग्राफी का एक, ऑयलोग्राफी का एक फॉर्म था. तो ये बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट ने यूज किया. द मेन एडवांटेज ऑफ प्रिंट मेकिंग इज टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज एट द सेम टाइम. राइट, प्रिंट मेकिंग का क्या होता है, हम एक ही बार क्या करते हैं, बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं. राजा रवि वर्मा कुड पॉपुलराइज हिज पेंटिंग्स बाय प्रिंटिंग मेनी कॉपीज ऑफ हिज वर्क ऑन ऑयलोग्राफ टेक्निक. तो बोल रहे हैं कि राजा रवि वर्मा क्या करते थे, यही टेक्निक यूज करके उनकी जो पेंटिंग्स थे उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बनाते थे. कृष्णा रेड्डी इज वन ऑफ द फेमस प्रिंट मेकर्स ऑफ दैट टाइम. तो कृष्णा रेड्डी कौन थे, वो प्रिंट बनाते थे, प्रिंट मेकर्स थे. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कला भवन, विश्व भारती, संतिनिकेतन. तो कहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी उनके बारे में बता रहे हैं. तो अभी वर्लपूल इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस ऑफ कृष्णा रेड्डी. इट इज डन इन इंटैग्लियो प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ रिलीफ मेथड बिकॉज द सर्फेस ऑफ द प्लेट डज नॉट प्रिंट एज द इंक बीइंग हेल्ड ऑन द इनग्रेव फ्रिज. द लाइन्स ऑफ द डिजाइन आर incised in copper and zinc plate. Ink is used on it and then the surface wiped clean with scraper.
ओके तो अभी ये जो इसका प्रोसेस है वो प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं. तो प्रोसेस में ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है एक रिलीफ मेथड है, और उसमें जो सरफेस पे जो है प्रिंट नहीं आती है, बट जो इंक है, इंक बीइंग इंग्रेव्ड ऑन फुरोज, तो ऊपर जो एक जैसे आई थिंक ये हम आपने कभी देखा है पहले के जमाने में लाइक वो बिल बनाते थे, बिल के नीचे कार्बन रहता था और फिर ऊपर लिखते थे और फिर कार्बन नीचे रहता था, इसलिए बिल का जो प्रिंट है वो कार्बन थ्रू भी नीचे होता था. तो बोल रहे हैं कि नीचे इसका इनग्रेव्ड होता था और वो जो लाइन से डिजाइन हुई हुई है उसमें ये फॉर्म में, तो वो कॉपर और जिंक प्लेट के द्वारा हुई है, और जो इंक यूज्ड ऑन इट इज देन द सरफेस एंड वाइप क्लीन बाय द स्क्रेपर. तो मतलब ऐसे उस पे इंक डाल दी और फिर एक स्क्रेपर से क्या किया गया, उसे क्लीन किया गया. यस, सो आफ्टर लेइंग अ डैम पेपर ऑन इट, प्रिंट इज टेकन बाय पुटिंग प्रेशर इन द मशीन. तो उसके ऊपर डैम पेपर मतलब वेट पेपर रख के फिर क्या होता था, मशीन के द्वारा उसको प्रेस करके वो उसकी प्रिंट करते थे. इन वर्लपूल रेडी क्रिएट्स न्यू फॉर्म्स फ्रॉम नोन ऑब्जेक्ट्स एंड टेक फॉर्म ऑफ फॉर्म इनटू एब्स्ट्रैक्शन. ऑब्वियसली वर्लपूल की पेंटिंग हमें दिख ही रही है कि ये जो फॉर्म है ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का फॉर्म है. तो उन्होंने यही मेथड यूज की गई है उसमें, और ये जो फॉर्म है वो क्रिएट किया गया है. उनका जो मेन इंटरेस्ट था पिक्चर इज टू कैप्चर फोर्स ऑफ नेचर. तो नेचर का फोर्स कैसे है वो कैप्चर कर रहे थे वो. एवरीथिंग इज लॉस्ट इन कॉस्मिक वर्लपूल. तो हम देख पा रहे हैं ये पेंटिंग में सब कुछ लॉस्ट है इन कॉस्मिक वर्लपूल. कॉस्मिक, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोस? ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरी यूनिवर्सल एनर्जी, उसका मीनिंग होता है कॉस्मोस. तो बोल रहे हैं कि सब कुछ लॉस्ट है एक यूनिवर्सल वर्लपूल में, ये कॉस्मिक में. द इमेजेस इन द पिक्चर आर नॉन रिप्रेजेंटेशनल, दो सम इमेजेस लाइक स्टार्स, फ्लावर्स, क्लाउड्स आर नॉट वेरी क्लियरली रिकग्नाइज. तो यहाँ पे इसमें मतलब रिप्रेजेंटेशन है वो बता दिया है, बट वो जो क्लियरली रिकग्नाइजेबल नहीं है आपको, आप देखोगे इसमें ऑब्जर्व करके, यू कैन नॉट लाइक रियली रिकग्नाइज एक वर्लपूल में, ये पेंटिंग में, कि स्टार्स कहाँ पे है, फ्लावर्स कहाँ पे है, यू कैन नॉट रिकग्नाइज दैट. सुमेला बार बार लीव कर देती है मीटिंग. ओके, हिज अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ स्कल्टिंग हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड द रिलीफ टाइप ऑफ इंटाग्लियो इफेक्ट्स इन प्रिंट्स व्हिच इज द मेन ब्यूटी ऑफ हिज वर्क. तो बोल रहे हैं कि उनका जो पहला एक्सपीरियंस रहा है उन्होंने उनको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प की है ये पेंटिंग क्रिएट करने में. So let's look at the next painting. I hope there is nothing remaining from the first. Okay. तो ये पेंटिंग देख लेते हैं हम. मिडिवल सेंट्स पेंटिंग का नाम है. थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लीजिए 10 seconds. तो आर्टिस्ट है इसका बैनर्ड बिहारी मुखर्जी. यस दिस इज नाइस. पीरियड है इसका 1947. कलेक्शन इसका है म्यूरल ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन विश्वा भारती संति केतन. ओके, तो इनकी जो स्कूल है वहीं पे इसका जो है कलेक्शन वहीं पे है. मीडियम है इसका फ्रेस्को बोनो. ओके, सो हम देखेंगे अभी यहाँ पे. बेनोट बिहारी मुखर्जी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोस, द फेमस बंगाल स्कूल पेंटर. बेनोट बिहारी लव्ड नेचर एंड इट्स ब्यूटी एंड ही बेस्ड हिज पेंटिंग्स ऑन दैट. तो अभी ये जो आर्टिस्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोस. उनके मतलब बोल सकते हैं कि ही वॉज हिज मेंटर. मेंटर मतलब जो किसी का गाइड होता है उसे हम मेंटर बोलते हैं, और वो जिनसे सीखता है. द फेमस बंगाल स्कूल पेंटर थे वो भी. तो बेनोट बिहारी
का मतलब इंक्लिनेशन कहाँ पे था ज्यादा, ही लव्ड नेचर एंड इट्स ब्यूटी, ही बेस्ड हिज पेंटिंग्स ऑन दैट, ही लर्न द आर्ट ऑफ लैंडस्केप फ्रॉम जापान. तो जापान से उन्होंने आर्ट सीखा लैंडस्केप का, और उनका जो मोर इंक्लिनेशन था ब्यूटी ऑफ नेचर के ऊपर था. ही यूज वेरी सिंपल रैशनल लाइन्स लाइक जापानीज आर्टिस्ट. तो मतलब हर एक पेंटिंग आर्टिस्ट होता है ना, उसका एक स्टाइल होता है. तो इसका इनका स्टाइल था कि एकदम सिंपल जो लाइन्स है रैशनल लाइन्स वो यूज करना उनके पेंटिंग में. दिस लाइन्स हैव क्वालिटी ऑफ कैलीग्राफी. क्वालिटी ऑफ कैलीग्राफी का क्या होता है, मतलब जैसे कैलीग्राफी में आप स्ट्रोक्स क्रिएट करते हो, राइट? तो लाइक इवन लाइक यू नो लाइक आई लाइक विश लाइक आई वॉज एन आर्टिस्ट, लाइक my drawing is okay, so like I know some calligraphy tools or like this, so if I hold a pen like this, so mera ek stroke hai aisa hi jana chahiye, ek wave jo hai aisi hi jani chahiye calligraphy mein, so wo jo wave hota hai calligraphy mein that is also very important, aap use kaise karte ho. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इनका जो लाइंस की जो क्वालिटी थी वो कैलीग्राफी लाइंस की टाइप थी. लाइन निकालना लाइक इवन इफ यू आर ड्रॉइंग अ लाइन इन योर पेंटिंग दैट इज आल्सो नॉट वेरी इजी. ओके, वो आपकी पेंटिंग को उसने और अच्छे से बनाना चाहिए. सो बैनोड बिहारी सफर्ड फ्रॉम वीक आई साइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड बिकेम टू टैली ब्लाइंड इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. तो सी देखो लाइक बैनोड बिहारी क्या है, मतलब उनकी आई साइट बचपन से वीक थी और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई तो वो जो है थोड़े से ब्लाइंड होते गए विथ एज. नीदर हिज पुअर आई साइट इन यंग एज एंड ब्लाइंडनेस इन लेटर एज कुड स्टॉप हिज क्रिएटिव अर्ज. तो मतलब इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, अगर तुम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो तुम्हें कोई मतलब लाइक इफ आपकी आई साइट कमजोर है या कुछ कमजोर है वो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है. रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट सम ऑफ द लाइक दिस बाहुबली एक्टर, लाइक ही इज वन आई ही इज ब्लाइंड बट देन टू लाइक ही हैज बिकम एन एक्टर. तो लाइक मीन्स इफ यू वॉन्ट टू बी यू कैन बी एनीथिंग. All through his life, he experimented with different mediums. In spite of his blindness, he created a huge mural, Kala Bhavan, Saniketan. तो बोल रहे हैं कि मतलब वो blindness थी उनको, सब चीजें थी, but तो भी उन्होंने क्या किया, उनके life में उन्होंने बहुत ज्यादा experiment किए अलग अलग mediums के साथ. The medieval saints is one of the murals which he painted on wall of Hindi Bhavan in fresco bono technique. तो वो बोल रहे हैं कि इनका मतलब अभी भी इनके जो भी murals है या फिर इनकी जो भी paintings है कला भवन में है अभी भी. और ये जो medieval saints हम जो painting देख रहे हैं, so for example see like just imagine like he is not able to see and he has drawn that, like what kind of मतलब क्या मतलब एक technique उन्होंने हासिल की होगी. तो ये फ्रेस्को मेथड में उन्होंने बनाई है ये पेंटिंग. इट इज अ मेथड ऑफ वॉल पेंटिंग इन विच पाउडर्ड पिगमेंट्स कलर्स आर मिक्स्ड इन वाटर एंड अप्लाइड विथ वेट फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर ग्राउंड. इन दिस मेथड द कलर बिकम्स द पार्ट ऑफ द वॉल सो दैट द कलर्स लास्ट लॉन्ग. तो ये डायरेक्ट उन्होंने ना मतलब वॉल पे ही बनाई है ये पेंटिंग, इसलिए वो पेंटिंग जो है वो स्कूल में ही है. सो मतलब कैसे बनाई है, वो पाउडर्ड पिगमेंट के साथ मिक्स करके लाइम प्लास्टर है उसके साथ, और फिर वो क्या हो गए, वो लास्ट लॉन्ग जो वॉल का पार्ट ही बन जाती है वो पेंटिंग, बिकॉज इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन देयर. नहीं, 1 मिनट रिमेनिंग नहीं है, 25 को 1 मिनट रिमेनिंग होगा माय डियर, 10:25 को. ओके, इट इज मेथड ऑफ वॉल पेंटिंग. ओके, मिडेवल सेंट्स इज वॉल पेंटिंग म्यूरल डिपिक्टिंग सेंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया. द कंपोजिशन इज वेल प्लान्ड टू सूट द साइज एंड शेप ऑफ द वॉल्स. द ह्यूज इलोंगेटेड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स अरेंज्ड विद रिवर लाइक फ्लोइंग मूवमेंट इन परफेक्ट हार्मनी एंड रिदम. The monument-like quality of these figures remind of us of the sculptures of on the Gothic church wall. One second. The emphatic verticality and composition is nicely balanced by smaller figures in horizontal continuity. The largeness of this
of the figures express their spiritual greatness, the smaller figures represent the common people engaged in different activities of everyday life. तो अभी ये painting के बारे में बता रहे हैं, ये painting, that's all right, my dear. पेंटिंग में कैसे, मतलब ये म्यूरल आर्ट जो है इन्होंने तैयार किया है, पेंटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे पेंटिंग में आप देख पा रहे हो कि ह्यूज ह्यूमन फिगर्स है अरेंज विथ रिवर लाइक फ्लोइंग मूवमेंट एंड हार्मनी. उनकी जो बॉडी का एक बॉडी हो गया या फिर वो पेंटिंग है उसका मूवमेंट कैसा है, परफेक्ट हार्मनी है उसमें, रिदम है. उनकी जो क्वालिटी है फिगर्स की, एक जो स्कल्पचर्स होते थे गॉथिक के हमने देखे, जो स्कल्पचर्स वीनस के स्कल्पचर्स थे वैसे स्कल्पचर्स थे, उस प्रकार इन्होंने ये पेंटिंग जो है बनाई है बहुत ही मतलब अच्छे से. जो आप देख रहे हो यहाँ पे बॉडी फिगर्स बहुत अच्छे से बनाई है. फिर एक वर्टिकल कंपोजिशन दिया गया है, ऐसे ऊपर की ओर ये कंपोजिशन ऐसे जा रहा है, और जो स्मॉलर फिगर्स है उनको हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूटी दी गई है ऐसी. फिर इसमें बता रहे हैं कि ये जो मतलब फिगर्स जो बनाए हैं वो फिगर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो जो उसमें जो सेंट्स है वो कितने स्पिरिचुअली ग्रेट थे, और जो छोटे फिगर्स इसमें बताए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि दूसरे जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, वो कैसे है उनके डे टू डे एक्टिविटी में इंगेज थे. तो ये देखो ये ऊपर के फिगर्स है, दिस फिगर्स लाइक दे आर लाइक सेइंग लाइक सेंट की जो स्पिरिचुअल ग्रेटनेस है, सो लाइक इट्स लाइक मोर ऑन द इलॉन्गेटेड फॉर्म, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बताया है. और फिर जो दूसरे जो फिगर्स है लाइक दे आर मोर ऑन द हॉरिजॉन्टल बेस एंड दे आर स्मॉलर देन द सेंट्स. सो वो बोल रहे हैं कि जो दूसरे कॉमन लोग थे वो कैसे प्रैक्टिसेस करते थे और कैसे उनको इंगेज करते थे. तो ऐसा ये फॉर्म में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई गई है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग. ओके फिर लेट्स लुक एट दिस. इज सम काइंड ऑफ फॉन्ट ओवर हियर. ओके ये पेंटिंग में देखो आप वर्ड्स एंड सिंबल्स. ये एक लाइन रह गई है, द लाइन्स आर एम्पैथेटिक इन द पेंटिंग बट कलर्स आर वेरी लिमिटेड विद ब्राउन येल्लो ऑश्रे एंड टेरावेट. तो यस कलर्स लिमिटेड है, लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ मोनोक्रोमिक पेंटिंग, बट थोड़ा सा उसमें कैसे लाइट और शेड थोड़ी सी यूज की गई है, दैट्स व्हाई ये थोड़ी सी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है. फिर हम देखेंगे यहाँ पे वर्ड्स एंड सिंबल्स. आर्टिस्ट है इसके KCS पानीकर. कब तक रहे ये, 1911 टू 1977 तक रहे. साइज पेंटिंग का है 43 सेंटीमीटर्स बाय 124 सेंटीमीटर्स. डेट है इसकी 1965. तो अभी इसका जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है हम देखेंगे. ठीक है, KCS पानीकर कुड बी टर्म्ड एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पायनियर इन डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्ररी आर्ट मूवमेंट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ही वॉज स्टूडेंट ऑफ DP रॉय चौधरी ऑफ बंगाल स्कूल इन मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट. तो अभी ये जो आर्टिस्ट है उनके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, एक पायनियर्स थे किसी चीज की, उन्होंने शुरुआत की थी कंटेम्प्ररी आर्ट का मूवमेंट इंडिया में, लाया था कहाँ पे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. और वो किसके स्टूडेंट थे, DP रॉय चौधरी के स्टूडेंट थे. और वो जो मतलब ही वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ बंगाल स्कूल इन मद्रास. ओके मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट बंगाल में. तो ही हैड टू जॉइन मेनी ऑड जॉब्स एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर एंड इंश्योरेंस एजेंट बिफोर ही कुड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज एन आर्टिस्ट. तो लाइक सबका लाइफ सेम नहीं होता. यू सी हर एक आर्टिस्ट हो गया या फिर हर एक पर्सन हो गया जो आर्ट परसीव कर रहा है या फिर कोई भी करियर परसीव कर रहा है, हिज लाइफ इज डिफरेंट. तो कोई पहले से ही पेंटिंग्स कर रहे थे, बट देखो एक दो आर्टिस्ट हमने देखे, दे वर लाइक नॉट वेरी फाइनेंशियली वेल. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बिफोर ही कमिंग इन टू आर्टिस्ट लाइक आने में उन्होंने कुछ अलग अलग ऑड जॉब्स किए, टेलीग्राफ ऑपरेटर, इंश्योरेंस एजेंट, बिफोर ही कुड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज एन आर्टिस्ट. और फिर उन्होंने क्या किया, उनको एज एन आर्टिस्ट एस्टैब्लिश किया. लाइक आई लाइक हैव वन सिस्टर, लाइक शी इज इन लंदन. सो शी लाइक हैज टेकन अ लॉट ऑफ जॉब्स. शेफ का जॉब लिया है,
like Amazon ka job liya hai, and then like now she is into NatWest mein banker hai aise money laundering ki. So fir like it becomes like sabki life. And like for me example, I have mostly 90% I have taken teaching job, or like alternate mein maine bas like when I pursued my interiors, I just matlab maine designs wagaire banaye. Like I didn't मैं अलग अलग जॉब्स में नहीं गई ज्यादा, बिकॉज लाइक माई फोकस वॉज इट, एंड लाइक आई वॉज लाइक फॉर्चुनेट इनफ टू गेट वर्क इन द फील्ड आई वॉज वर्किंग. बट किसी किसी का होता है, किसी किसी को अलग अलग और जॉब्स लेने पड़ते हैं टू परस्यू द पैशन दैट यू वॉन्ट. दिस आई एम फोकसिंग ऑन पर्पज, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ होगा कि आपका कुछ पैशन होगा, आपको कुछ करना होगा, बट आपको लग रहा होगा आप वो आज कर नहीं पा रहे हो, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट फॉर टू परस्यू दैट you have to take different jobs currently, and then you can pursue that. So you should kabhi haar nahi manni chahiye, aur aapka jo kaam hai wo karte rehna chahiye. So see, unhone odd jobs liye, but later in life he established himself as an artist. His style went through many stages from realistic to geometric. To real se kya ho gaya, geometric styles mein hua. He was also great teacher who inspired many painters from south and established the first artist village of India near Chennai named Cholamandalam. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो ग्रेट टीचर भी थे और उन्होंने बहुत सारे पेंटर्स को भी इंस्पायर किया. लाइक समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू बिकम अ टीचर, यू बिकम अ मेंटर. आप मेंटर बन के क्या करते हो, दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हो. और उन्होंने क्या किया, एक इस्टैब्लिश किया फर्स्ट आर्टिस्ट विलेज ऑफ इंडिया. मतलब विलेज, एक गांव ही उन्होंने आर्टिस्ट का बना दिया. चेन्नई के पास में है, उसका नाम था वो गांव का आर्टिस्ट नाम, आर्टिस्ट गांव वो था चोलामंडलम. ओके, सो लेट्स सी, द एनलिस्टेड पेंटिंग्स इज वेरी अ फेमस वन ऑफ हिज सीरीज वर्ड्स एंड सिंबल्स. तो ये जो पेंटिंग है वो बहुत फेमस है. It is very different type of experimental work in which space is covered with calligraphy. Panikkar used mathematical symbols, Arabic figures, Roman scripts and Malayalam scripts to create design which looks like horoscope. Tantric symbol diagrams are also used. Colors play a nominal role in this painting. तो अभी ये painting के बारे में बता रहे हैं कि ये जो पानीकर करके है, ये जो आर्टिस्ट है, इन्होंने क्या किया, हॉरोस्कोप के सिंबल्स लिए, मैथमेटिकल सिंबल लिए, कुछ कैलिग्राफी फॉर्म में उन्होंने ये पेंटिंग जो है बनाई. और ये जो लाइक ही लाइक ऐसे उन्होंने ये पेंटिंग बनाई वर्ड्स एंड सिंबल्स की, विच इज वेरी फेमस वन ऑफ हिज काइंड. ओके, नाउ okay, now let's look at another painting. We will notice this painting first, okay, and then I will start the session again. Okay, to aap kya karo, ye painting please notice kijiye, landscape in red. So it's like more of a brick color, right? Like yeah. Okay, so what I will do, I will start the session again. Please join.